और खाना पीना भी कर दिया है मैंने पैक, और ये देखिए इस गिरी में रखा है। तो चलिए अब फटाफट से ना खेत में जाते हैं। एक बार हमने ना इस खेत में हल लगा दिया है और अभी इसको बारीक करने के लिए ना यहाँ पे जोल लगाया जा रहा है। इसके बाद ना फिर इसमें ना हल लगाएंगे हम लोग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्ते और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में और देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक छोटे गांव गढ़थाती से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज मॉर्निंग के 9 बजे से और खेतों से हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। और मैं आई हूँ जो कि हमारे गदेरे के साइड जो खेत है, सड़क के नीचे वाला खेत, तो वहाँ सारा काम ख़त्म होने के बाद अब खेतों में ना गेहूं बुवाई का काम ना शुरू हो चुका है। तो आज हम ना गेहूं की बुवाई करने के लिए ना खेतों में आ चुके हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा ना घर से थक गई थी तो सोचा ब्लॉग भी शुरू करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ना आराम भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ना घीड़ी भी है और साथ में ये देखिए जोल भी है। तो दोनों को लाते लाते ना एक साथ बड़ी दिक्कत हो रही थी तो सोचा थोड़ा सा ना रुक जाते हैं और वीडियो भी ना शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में ना बने रहेगा। तो हमारे बैल भी ना आ चुके हैं ऊपर सड़क से, और क्योंकि यहाँ से ना उतना अच्छा रास्ता नहीं है तो बैल गिरने का डर रहता है तो ऊपर से आ चुके हैं। बाकी तो कुछ इस तरह से ना लेके जाना पड़ रहा है मेरे को, पीठ पे घीड़ी और सर के ऊपर जोल। तो हमारे यहाँ गढ़वाली में इसको जोल ही बोलते हैं, यहाँ ना इसको जोल बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। और ऐसे जाने में ना बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ से ऐसे लग रहा है जैसे कि ना बारिश हुई होगी, लेकिन यहाँ इतनी भयंकर ना ओस गिर रखी है। तो ये देखिए फिर सामने घाट के किनारे वाला खेत है। तो सबसे पहले ना हम यहीं से स्टार्ट करेंगे हल लगाना, बाकी उस साइड के खेत हैं। तो यहाँ हमारे ना 4-5 खेत हैं। एक बार हमने ना इस खेत में हल लगा दिया है और अभी इसको बारीक करने के लिए ना यहाँ पे जोल लगाया जा रहा है। इसके बाद ना फिर इसमें ना हल लगाएंगे हम लोग। हमने 2 खेतों का काम ना अभी पूरा कर दिया है और मैं अभी ना घर जा रही हूँ। साथ में मैंने जब तक ना उन्होंने हल लगाया और मेरे खेत का काम ना ख़त्म हो गया था तो मैंने तब तक थोड़ा सा ना गाय के लिए ये थोड़ा सा ना घास निकाला है और इसे लेके अब ना घर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने दिन के लिए ना खाना लाना है। और तो चलिए अब घर चलते हैं और खाना पीना।
दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूं घर, और घर आते ही यहां पे साजी ने खाना रेडी कर दिया है। और अब करते हैं खाने को पैक और फिर से ना खेत में जाने की तैयारी करते हैं। तो ये है टिफिन, और इस पे ना मैं पैक करूंगी भात को, और थोड़ा सा ना दही है तो इसमें ना 4 डिब्बे हैं, और दाल लेके जाऊंगी दूसरी चीज पे। तो चलिए तैयार करते हैं। निकल चुकी हूँ घर से और खाना पीना भी कर दिया है मैंने पैक, और ये देखिए इस गिरी में रखा है। तो चलिए अब फटाफट से ना खेत में जाते हैं। तो ये रहा मेरा खाने का सामान, यहाँ पे मैंने रख दिया है, और मैं भी ना पहुँच चुकी हूँ खेत में। छूट गया था तो उसको हम ना अगले दिन देखेंगे। और घर आते आते ना हमको काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो अभी हमारे ना खाने पीने की तैयारी हो रही है, और मैंने सब्जी भी लगा दी है, बाकी आटा भी लगा दिया है, और अब है रोटी बनाने की बारी, जिसके लिए मैंने ना यहाँ पे आग भी जला दी है। फटाफट से ना मंडवे की रोटी का आनंद लेते हुए तो आज की वीडियो को ना इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ना आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज ना